बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अपने प्रचार अभियान के दौरान बड़सर विधानसभा के मोरसू गांव में अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा झूठ बोलने का काम ही किया है और झूठ बोलने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कांग्रेस को जनता ने 2014 में भी घर पर बिठाया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर कांग्रेस पहुंच चुकी थी। सांसद खेल महाकुंभ पर कांग्रेस के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राज में नशे का व्यापार चरम सीमा पर था और खेलों के माध्यम से नशों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के बाद ही सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस फिजूल का मुद्दा बना रही है, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का समापन नहीं हुआ है और कांग्रेस हमेशा से खेलों का विरोध करती रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे देने के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई के सचिव वह अध्यक्ष बनना छोटी बात नहीं है और कांग्रेस ने अपने सरकार के समय में जितने भी केस किए थे सभी जीते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी हार का मुंह देखना है। इस अवसर पर नुक्कड़ सभा पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, सीताराम भारद्वाज भी मौजूद रहे। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल ने शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल किया है और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि बाल स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाएं, क्योंकि स्कूल में बच्चों का चहुंमुखी विकास करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बढ़िया लाइब्रेरी की सुविधा स्कूल में उपलब्ध है, तो बढ़िया खेल मैदान का भी प्रावधान है। मंजू ठाकुर ने बताया कि बच्चों के लिए एनसीसी एनएसएस यूनिट के साथ स्काउट गाइड में भी हिस्सा लेने के लिए स्कूल में सुविधा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर बेरोजगार युवा एवं श्रमिक मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के इस निर्णय पर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और चारों सीटों पर भाजपा अपना विजय परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि सुखराम और वीरभद्र की जोड़ी अब कोई करिश्मा नहीं दिखा सकती है, अब हिमाचल के लोगों के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। गोपालदास वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह का अध्याय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को विजय नहीं दिलवा सका, नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस को कैसे जितवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सुखराम और वीरभद्र की जोड़ी अभी कोई भी करिश्मा नहीं दिखा सकती है, क्योंकि अब दोनों ही हाशरे पर हैं और परिवारवाद से ग्रस्त हैं। इसलिए अब प्रदेश में भाजपा ही चारों सीटें जीतेगी।